संविधान का गठन हिंदुस्तान में तो कई दशकों पहले ही हो गया था, लेकिन कई कानून के बाद भी भावनाओं को कोई ना तोड़े, इस पर कोई ठोस कानून नहीं आया। साल बदलता है और बाबाओं का नाम भी बदलता है, लेकिन सबकी कहानी एक जैसी ही होती है। कहते हैं कि ऐसे बाबाओं का राज ऐसा होता है कि इनकी व्यवस्था किसी राष्ट्रपति से कम नहीं होती। आज हम आपको ऐसे ही कुछ पांच बाबाओं की कहानी बताएंगे जो ढोंग तो भक्ति का करते थे, लेकिन उनकी चाल में महिलाएं फंस जाती थी। कोई महिला प्रेमी निकलता है तो कोई महिलाओं को अपनी जद में रखना चाहता है। कोई भगवा चोले में बेहद गंदा काम करता है तो कोई धर्म के नाम पर पाखंड करता है। कोई सरगना चलाता तो कोई गैंग चलाता है। भोकाल एकदम माफियाओं जैसा होता है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाता। जवाहर बाग कांड का मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव। पांच बाबाओं की कहानी में सबसे पहले बात करेंगे भगवा चोला ओढ़ धर्म गुरु बना राम वृक्ष यादव की, क्योंकि हाथरस की घटना ने साल 2016 के मथुरा कांड की यादें भी ताजा कर दी है। खुद को धर्म गुरु बताने वाले राम वृक्ष यादव ने पूरे शहर में हिंसा का खेल खेला था। इस हिंसा में एक एसपी और एक एसएचओ समेत 24 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला राम वृक्ष यादव कभी बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हुआ करता था। बाबा जय गुरुदेव की समाधि लेने के बाद इसने धर्म गुरु बनने का सोचा और भगवा चोला ओढ़कर बाबा बन गया। आप इसकी बचकानी बातें सुनेंगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी। ये मथुरा के जवाहर बाग में भक्तों की टोली जमा करता था और कहता था कि भारतीय मुद्रा को वापस लेकर गोल्ड करेंसी चलानी चाहिए, एक नया देश बनाना चाहिए जहां पर पेट्रोल और डीजल 1 रुपए लीटर में मिले, सोना भी 12 रुपए तोला मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी वो अपनी बातों से बरगला रहा था। खुद को शंकराचार्य घोषित कर बनाया परी अखाड़ा। फर्जी धर्म गुरुओं की लिस्ट में बाबा ही नहीं साध्वी भी आती है। इस साध्वी के धर्म कर्म के नाम पर किए गए नाटक के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस साध्वी ने जो किया वो कुछ अलग ही था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मूल निवासी साध्वी का त्रिकाल भवंता उर्फ अनीता नाम है और इसने ग्रेजुएशन की है। संन्यास लेने से पहले इलाहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में ये नर्स रह चुकी है और फिर इलाहाबाद में ही खुद का क्लिनिक भी इसने खोला था। 20 साल की उम्र में एक टीचर से शादी हो गई। शादी के बाद 2 बच्चे और फिर धार्मिक कार्यक्रमों में इसने जाना शुरू कर दिया और डॉक्टरी का पेशा छोड़कर इसने संन्यास धारण कर लिया। खुद को शंकराचार्य घोषित कर अपना एक अलग ही अखाड़ा बना लिया। अपने परी अखाड़े को मान्यता दिलवाने के लिए इसने जिंदा समाधि लेने का ढोंग भी रचा था। इतना ही नहीं, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और कई साधु संतों को जहर देकर मारने का आरोप भी इस पर लगा था। शराब और शबाब के शौकीन स्वामी नित्यानंद महाराज। अपहरण और रेप का आरोपी नित्यानंद भारत से भाग गया। स्वयंभू बाबा कहे जाने वाले इस बाबा पर कर्नाटक में रेप और अपहरण का मुकदमा दर्ज है, गुजरात में उत्पीड़न का मामला दर्ज है और इस भगोड़े का दावा है कि इसने खुद का देश भी बसाया है जहां हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से ये काम करता है। ये फर्जी बाबा खुद को अपने बसाए देश का राजा मानता है, हालांकि उसके बसाए देश को मान्यता तक प्राप्त नहीं है। उसने खुद के बसाए देश का नाम रखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। उसने अपने देश को दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में बसाया है। ये देश 2.28 एकड़ में बसा है और यहाँ कुल 34 प्राणी रहते हैं, जिनमें केवल 30 ही मनुष्य हैं और 4 कुत्ते। सोचिए नित्यानंद के पास इतनी दौलत कहाँ से आई होगी। शराब और शबाब के शौकीन इस बाबा की कहानी हर किसी को हैरत में डाल देती है। आइए से बाबा बने इस गुरु घंटाल पर लगा है रेप का आरोप महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्गिरी महाराज। गुरुग्राम के इस बाबा का जितना बड़ा और भारी भरकम नाम है, इतने ही बड़े और भारी भरकम इसके काले कारनामे भी हैं। इस बाबा ने भी भगवा चोला ओढ़कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ये बाबा अपनी ही साध्वियों के साथ अश्लील हरकतें करता था और उनके साथ वीडियो भी बनाता था। इसका खुलासा एक गुमनाम पोस्ट से हुआ जिसमें लिखा था ज्योतिर्गिरी के 600 घंटे के ऐसे वीडियो उसके पास हैं जिसमें वो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण कर रहा है, जिसका एक वीडियो गुमनाम महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। पुलिस ने इस फर्जी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर इसे जेल भेज दिया था। ये आईएएस फिलहाल जेल की हवा खा रहा है। देश के कई बड़े नेताओं में इसकी पहुंच थी, लेकिन फिर भी ये खुद को जेल जाने से नहीं रोक पाया। खुद को श्री कृष्ण का अवतार कहने वाला सारथी है रेपिस्ट। सारथी बाबा उर्फ संतोष रावला।
इसके खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग समेत दुष्कर्म के कई मामले दर्ज हैं। ओडिशा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। इस बाबा को ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के बारीमुला आश्रम में पकड़ा गया था। बाबा के भक्त सिर्फ ओडिशा में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी थे। ये बाबा खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताता था। इसके खाते में भी करोड़ों की संपत्ति दर्ज है। इस बाबा पर भी एक महिला के साथ रेप करने का आरोप लगा था। ये बाबा होटल जाकर चिकन मटन खाता था, बियर पीता था। जिसकी जानकारी जनता को लगी तो जनता ने विरोध किया और फिर उसके बाद इसे काल कोठरी में डाल दिया गया। यानी ये बाबा भी खुद को जेल की हवा खाने से नहीं रोक पाया। ये वो पांच महानुभाव गुरु घंटाल बाबा थे जिन्होंने धर्म और अध्यात्म की आड़ में फर्जी बाबा बन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। न जाने कितनी बच्चों की जिंदगी तबाह की थी और कुछ ने तो करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देश ही छोड़ दिया था और कुछ ने एक नई दुनिया ही बसा ली। इन बाबाओं की कहानी यही नहीं सिमटती। ऐसे न जाने कितने फरेबी बाबा हैं जिनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आखिर में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अगर ऐसे बाबाओं के बारे में जानते हैं तो हमें जरूर बताएं और साथ ही आप ऐसे किसी भी स्वयंभू बाबा के बहकावे में ना आए। आप हमें कमेंट करके भी इन बाबाओं की जानकारी दे सकते हैं जो छिपकर सत्संग की आड़ में लोगों को लूट रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही।